मत्ती रचित सुसमाचार छठवां अध्याय। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में
उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों कर ना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है।